अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मई के 20 कंटेनमेंट जोन में फिर लॉकडाउन शुरू। 29 जून से 5 जुलाई तक चलेगा कर्फ्यू। मनपायुक्त एबी मिसाल ने किया दौरा। नवी मुंबई में बेलगाम हो रहे कोरोना संक्रमण को रोकने महानगर पालिका ने कमर कस ली है। शहर के झोपड़पट्टी समेत 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां 29 जून से 5 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। आज मनपायुक्त एबी मिसाल ने तुर्बे स्टोर्स और कोपर खेरने के कुछ ऐसे ही इलाकों का दौरा किया और हालात एवं इंतजामों का जायजा लिया। आयुक्त ने कहा कि 7 दिनों के लॉकडाउन में जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां वहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अब चिकित्सा कर्मी घर घर जाकर कोरोना स्क्रीनिंग करेंगे ताकि संभावित लोगों को उपचार देकर संक्रमण को रोका जा सके। आइए सुनाते हैं आयुक्त ने क्या कुछ और कहा। इसमें ये लॉकडाउन हमने इसलिए किया है कि जैसे ये तुर्बे झोपड़पट्टी है, ये गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉटस्पॉट लिस्ट में थी। यहाँ हमने 15-20 दिन पहले काम करना इसलिए शुरू किया था और यहाँ का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने बढ़ाया था। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी यहाँ का एक केस के पीछे 26 तक हमने लेके गए, इसलिए यहाँ हमको रिजल्ट ये दिख रहा है कि गए 10-11 दिन में यहाँ नया केस नहीं आया है। लेकिन ऐसे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, जैसे स्लम्स है या गावटान है, तो यहाँ ये केस लोड बढ़ने का हमने ऑब्जर्व किया है। इसलिए ये 12 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए, ये पुलिस कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस करके हमने ये किया है। यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त हमको मिलेगा, जो मैन पावर अवेलेबिलिटी है वो हिसाब से, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमने लोकल वॉलंटियर्स यहाँ उनको अपॉइंट किया हुआ है। स्थानिक जो भी कार्यकर्ता है उनका भी हम यहाँ मदद ले रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को साथ में लेके हम ये काम कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन पीरियड में एक तो अत्यावश्यक सेवा छोड़ के बाकी सब बंद रहेगा, वन थिंग। दूसरा, हाउस टू हाउस जाके हमारी टीम हर आदमी का, हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग किया जाएगा, और स्क्रीनिंग में जो भी अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है या लक्षण मिलते हैं तो उसको आइसोलेट किया जाएगा या उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो किया जाएगा। यहाँ पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाएगा, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रेइंग है या फॉगिंग है, ये भी यहाँ किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने का हम प्रयास करें। सिचुएशन में 3.5 से 4 महीना ये सिचुएशन में है कि हम कोरोना के लिए अभी पर्याप्त अवेयरनेस लोगों में तो गया है, तो इसमें लोगों ने कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हमारे जो भी आदेश है या जो सूचना है उसका अनुपालन किया जाए, तो ये लोगों का सहभाग इसमें और सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये खातरी है, कॉन्फिडेंस है कि जैसे नवी मुंबई के लोगों ने शुरू से ही लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कोऑपरेट किया हुआ है, वैसे ये उपक्रम में भी हमें कोऑपरेशन मिलेगा। बता दें कि नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले स्लम इलाकों से आ रहे हैं, इसलिए एनएमएमसी तुर्बे और कोपर खेरने के ऐसे इलाकों में संपूर्ण सैनिटाइजेशन प्रारंभ कर दी है। नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने इसे सही पहल मानते हुए कहा
कि तुर्बे स्टोर में हालांकि ज्यादा संक्रमण नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि कोविड का संकट जल्द से जल्द खत्म हो। उन्होंने महानगर पालिका को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। एक 3 महीने से लॉकडाउन चालू है, यहाँ पर 181 पेशेंट भी यहाँ पर मिल गए 3 महीने में, तो ये पेशेंट बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक कंट्रोलिंग जिम ये लगा दिए लोग, तो उसके लिए आज आए थे यहाँ पर। गया अभी 11 तारीख से आज तक 17-18 दिन होंगे, एक ही पेशेंट मिला नहीं, उनके लिए उनका ये सर्वे हो गया कि जहाँ इतना हो सके कि जिस जगह पे अभी जो अभी कुछ घर घर पे जाके टेम्परेचर चेक करने का वो सबसे उन लोग महापालिका ने आज मुहिम चालू किया। यहाँ पर अभी पूरा संपूर्ण पूरा एरिया में मोहल्ले में ये सब खत्म होना चाहिए, कोविड का विषय खत्म कर देना। तो कमिश्नर साहब का जो महानगर पालिका का कर्मचारी हमारे इधर के जो कार्यकर्ते एक साथ में मिल के काम कर रहे करके यहाँ पर कोविड का विषय खत्म हो गए। अभी दोनों साथ में आ गए करके उस जगह पे, हम लोग का कहना है कि कॉरपोरेशन का काम है कि उस जगह पे ऐसी ऐसी बात है, उन लोग भी आ रहे ले, हमारा तरफ से भी कोई आदमी, हम सब साथ में मिल के काम कर रहे करके कोविड का इस जगह पे हम लोग ये कोविड खत्म करवाने का एक मुहिम लिए और वो ख़त्म कर देंगे। आज तक तो जो धारावी में जो परिस्थिति हो गया है यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर 3-4 महीने में ओनली 180 ओनली पेशेंट मिला है, वो भी 3-4 महीने में आज तक। तो अभी एक तो 11 अभी 17-18 दिन हो गए यहाँ पर एक ही पेशेंट नहीं, उसके लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोविड कैसा ख़त्म होएगा उसके बारे में प्रशासन हम लोग को एक लोकल सब प्रतिनिधि को साथ में लेके काम करना है और कोविड को इधर से ख़त्म करना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।